हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है रसमलाई ब्रेड रोल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में बन जाती है। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे रबड़ी। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध को अच्छी तरह उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने 8-10 केसर के धागे लिए हैं। इसमें गरम दूध डालेंगे और इसको साइड से रख देंगे। दूध को फुल फ्लेम पर अच्छे से उबालेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे दूध बाहर ना आए। अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, जो करीब 150 ग्राम होगी। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दूध पहले से कितना गाढ़ा हो चुका है, हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे हम केसर, जो पहले से दूध में भिगो के रखा था। इसके बाद थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। आप केसर की जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध को थोड़ा और उबलने देंगे। अब 1 कटोरी में लिया है पानी और इसमें डालेंगे 1 पिंच फूड कलर, ये येलो वाला फूड कलर है, इसको भी मैं इसमें मिला दूंगी। फूड कलर डालने से रबड़ी का कलर और भी अच्छा आ जाएगा। रबड़ी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे जिससे ब्रेड में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए मैंने ये वाला फूड कलर डाला था। रबड़ी तैयार है। दूसरे बर्तन में इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर ब्रेड के बहुत ही सॉफ्ट स्लाइस लिए हैं। ब्रेड जितनी सॉफ्ट होगी रबड़ी रोल उतनी ही टेस्टी बनेगी। ब्रेड के किनारों को चाकू की सहायता से इस तरीके से हम निकाल देंगे और इन किनारों को फेंकेंगे नहीं, इनका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे, जो किसी और दूसरी रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ब्रेड के थोड़े से और पीसे के किनारों को काट कर उन्हें भी मैंने साइड से रख दिया है। आप देखिए इस तरीके से ब्रेड के सारे पीसेस हम काट लेंगे और अब बेलन की सहायता से ब्रेड को इस तरीके से हल्का सा हम दबाएंगे। इनके किनारों को दबा दबा के बेलना है जिससे रोल बनाने में आसानी हो जाए। और अब इस ब्रेड का बनाएंगे रोल और इसे प्लेट पे रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे रोल बना लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड को भी बेलन से तरीके से बेल लेंगे और इसे थोड़ा चपटा कर लेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे हाथों से। आप ब्रेड के अंदर ड्राई फ्रूट्स या मावा कुछ भी भर सकते हैं। मैंने सारे ब्रेड रोल बना लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे ये शहद, जो मलाई ब्रेड रोल को और भी टेस्टी बना देगा। 1 चम्मच शहद इसके ऊपर डालेंगे। और इसके बाद जो हमने पहले से रबड़ी बनाकर रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, अब इसको भी हम ब्रेड के ऊपर से डाल देंगे। रबड़ी हमने थोड़ी पतली बनाई है जिससे ये ब्रेड में आसानी से अब्जॉर्ब हो रही है। और अब इसके बाद में गार्निशिंग के लिए कटे हुए पिस्ता डाल देंगे और हमने यहाँ थोड़ी सी गुलाब की ताज़ी पत्तियाँ रख दी हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ब्रेड मलाई रोल तैयार है। देखा ना कितनी आसानी से बन के तैयार होगी रेसिपी। अब मैं यहाँ पे आपको एक पीस काट के दिखाऊंगी। इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी रबड़ी। आप देख सकते हैं इतनी आसानी से इसके पीस हो जाते हैं और ये खाने में तो सुपर लगती है। बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसान तरीके से मार्केट जैसा रबड़ी ब्रेड रोल तैयार है। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में।